कोलकाता नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में मुफ्त आई चेकअप का आयोजन किया गया था। वार्ड के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की देखरेख में यह हेल्थ चेकअप संपन्न किया गया। इस कैंप में कई 100 से भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। जरूरत के मुताबिक जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें चश्मा भी दिया गया। अगर जरूरत पड़ी तो मरीजों का सरकारी खर्चे से मुफ्त में पूरा इलाज भी करवाया जाएगा। आप जान रहे हैं कि एक के बाद एक, जिस तरह से 5 साल नहीं 10 साल में एक के बाद एक, जिस तरह से जनहित में, जन कल्याण में, जिस तरह से कर्मसूची पश्चिम बंगाल में, फक्र बंगाल, गौरव बंगाल, आदरणीय ममता बनर्जी जो सबकी दीदी हो गई, आज दीदी के नेतृत्व में जो पश्चिम बंगाल का 10 बरस का सरकार है, एक के बाद एक जिस तरह से कर्मसूची लिए हैं सारे विश्व में, आज लोग बहुत सारा अवार्ड्स भी मिला, आप लोग जानते हैं, विश्व पैमाने पर। उन्हीं में से एक नायाब आज राज्य के मुख्यमंत्री, एक तरफ जहां फ्री में राशन, 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य साथी कार्ड, कन्याश्री 25,000 रुपया करके बच्चों को आला तालीम में मदद, रूपाश्री के माध्यम से शादी से पहले 25,000 रुपया, रोजगार के वसायल, रोजगार के लिए काम, पूरे मगरबी बंगाल में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है जो सारे कायनात में ये सरकार एक मिसाल हो जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हमारे राज्य में जो लोग आंखों के परेशानियों से, आंखों के बीमारियों से परेशान है, उनका आई चेकअप कैंप फ्री में उनको चश्मा वितरण, और फ्री में अगर डॉक्टर सलाह करेंगे और डॉक्टर अगर एडवाइस करेंगे कि इनका ऑपरेशन होगा तो फ्री में सरकारी तौर पर सरकार के अखराज से, सरकार के पैसे से उनका फ्री में ऑपरेशन होगा।